हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? मैंने ये वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और ट्रिपल एस की जो उड़ीसा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है इसके लिए, तो इसके लिए मैंने जो है इसके तीन वीडियोस जो हैं मैंने अपलोड किए थे। 300 तक ये वन लाइनर डिस्कस कर लिए थे हमने, ठीक है। तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये और ट्रिपल एस सी के साथ साथ जो हिमाचल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, ओके, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी होना है और जो महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है जिसकी तो डेट भी आ गई है 7 अगस्त की है, तो ये सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिस भी स्टेट फार्मासिस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो एमसीक्यूज़ हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होते हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। तो हमने इसके तीन वीडियोस अपलोड कर दिए, अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका ये उड़ीसा का है 4th ऑफ, कई बच्चे पूछते हैं मैडम एग्ज़ाम कब है, तो ये ओ ट्रिपल एस सी का है 4 जुलाई को और जो महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है वो 7 अगस्त को उसकी डेट आई हुई है, ठीक है। तो जिनको भी नहीं पता है वो ध्यान से देख लेना, कई बार स्टूडेंट्स को ना एग्ज़ाम की डेट ही नहीं पता होती। देखिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे वन लाइनर क्वेश्चन। देखिए ये हमने 300 तक वन लाइनर डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, तो इस वीडियो में हम 100 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है ना उन्हीं के मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ओके। अगर आपको इनका एक्सप्लेनेशन देखना है इन क्वेश्चन का तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। देखिए कुछ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज। तो मैं आपको हर बार एक बात बताती हूँ क्या कि सल्फोनाइल मतलब जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्लासिफिकेशन इनके ऊपर बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो मैं भी एक वीडियो ऐसा भी बनाऊँगी जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी मैं अभी एक या दो दिन में, ठीक है। तो देखिए ये सल्फोनाइल यूरियाज में टोलबुटामाइड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ओक्यूसर्ट्स आर, तो ये आई प्रेपरेशन होती हैं ओक्यूसर्ट्स। नेक्स्ट चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग, तो ये है डीफेरियोक्सामिन होता है जो आयरन की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, ये क्या होता है चिलेटिंग एजेंट होता है। कई बार ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं जैसे डीफेरियोक्सामिन क्या है, तो ऐसे आ जाएगा चिलेटिंग एजेंट है या फिर क्या है इस टाइप से, तो क्या है ये चिलेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल, ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, वैसे इजी क्वेश्चन है बट मोस्ट रिपीटेड भी है। तो नेक्स्ट देखिए एनोन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग टेस्ट मास्किंग इटीसी इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं एडिटिव्स बोलते हैं। ये जो क्वेश्चंस ली है मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये इसमें से लिए शायद महाराष्ट्र का। अभी ये फार्मेसी ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था अभी हुआ था, लेटेस्ट ही है, ठीक है। मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी उस पेपर का, मैंने सॉल्व भी करा रखा है। आपको अगर इसका अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन देखना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है द DPO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन, तो इसका हो जाएगा 1995, ओके। नेक्स्ट देखिए मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX, तो RX का मीनिंग क्या होता है, ऑप्शंस देखिए नहीं तो मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म तो ऑप्शन तो है ही नहीं, वन लाइनर है, मैं अभी क्या बोल रही हूँ, आदत पड़ी हुई है ना। तो मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो इसको बोलते टेक दो हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा टेक दो। नेक्स्ट है नेचुरली अक्रिंग कार्बिनेटिव, तो एसएफओटिडा होता है ये। क्लोरोक्विन क्या है, 4-अमीनो क्विनोलिन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन, तो ये एस्ट्रोजन होता है। एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइट्रीमेट्रिक मेथड, में कौन सा नहीं आता, फ्लोरीमेट्री नहीं आता। सीमेंटम इज प्रेजेंट इन टीथ इनसाइड गम,
नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज इन फिल्म कोटिंग ऑफ टेबलेट्स? तो इसमें हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, जिसको बोलते हैं आप HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज यूज करते हैं। एस्प्रिन क्या है? बहुत बार रिपीट होता है, ये होता है सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल, तो ये एंटी मैलिग्नेंट होती है, एंटी न्योप्लास्टिक, एंटी कैंसर ड्रग भी बोल सकते हैं आप। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्यूरी होती है। शेप ऑफ बैसिलाई, जो बैसिलस होते हैं वो होते हैं रोड, और उनकी शेप होती है रोड शेप, बैक्टीरिया होते हैं वो। बैक्टीरिया की शेप के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है एक। नेक्स्ट है, इन 1815 द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डैश इन वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो ये जो फार्माकोग्नोसी की टर्म है सबसे पहले यूज़ की थी किसने? CA सिडलर ने। ओके, इसके जो ये बुक थी एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, इसमें। नेक्स्ट, द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी, तो कलर जो है ये ड्रग स्टेबिलिटी को कोई अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, गोल्ड इन रूमेटोइड अर्थराइटिस, जो रूमेटोइड अर्थराइटिस है उसमें आपको पता है गोल्ड यूज़ करते हैं, गोल्ड कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटोइड फैक्टर। ओके, रूमेटोइड फैक्टर्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ड्रग विच इज नीदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इन्फ्लामेटरी, नॉट यूरिकोस यूरिक। देखिए, ड्रग है ना तो एनाल्जेसिक है, ना ही एंटी इन्फ्लामेटरी है, ना ही यूरिकोस यूरिक है, बट इज़ हाईली एफिकेसियस इन एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट में इसको बहुत यूज़ करते हैं। कौन सी ड्रग है वो आपको बतानी, कोल्चिसिन होती है, कोल्चिसिन। ठीक है, तो कोल्चिसिन को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, इसका सिनोनिम मैंने आपको बताया हुआ है, इसका सोर्स मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें कोल्चिसिन की जितनी भी चीज़ें आपको याद है अभी की अभी, वो आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये होती है। नेक्स्ट है, 5-HT प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेशन वाया विच रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये जो सीरोटोनिन जो होता है, 5-HT को क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन बोलते हैं। तो ये जो मसल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होता है, ये 5-HT2 रिसेप्टर से मीडिएटेड होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज मोर पोटेंट दैन मॉर्फिन, तो ये फेंटेनाइल होता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोर्टिकोस्टीरोइड इज ड्यू टू देयर मिनरल कोर्टिकोइड एक्शन, तो ये होता है राइज इन ब्लड प्रेशर। देखिए, BP जो हो राइज होता है वो होता है। देखिए, जो मिनरल कोर्टिकोइड होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं, इनके जो एक्शंस होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप देख लेना, अलग अलग एग्जाम में ये पूछे हुए हैं। तो मिनरल कोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है ना, वो आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी की लोब्स के हार्मोन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आता है इनमें से। ठीक है, तो पोस्टीरियर और एंटीरियर सब लोब्स के हार्मोन सबको पता होने चाहिए। तो ये ग्रोथ हार्मोन होता है जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से और भी कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, आपको जो भी याद है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैसोडायलेटर्स आर ट्रू एक्सेप्ट, तो निफेडिपिन इज अ डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, इसको छोड़ के इसमें और भी ऑप्शन थे तो वो सही थे। ठीक है, तो इसके ये गलत है। नेक्स्ट है, चूज द सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ β1 एड्रेनोसेप्टर, मतलब β1 ब्लॉकर, तो एटिनोलोल होता है। सेलेक्टिव β1 ब्लॉकर मतलब कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ओके, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल। नेक्स्ट है, ड्रग यूज्ड एज ओरल एंटीकोएगुलेंट, तो ये डाइक्यूमेरोल होता है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस एक्सेप्ट, तो मेथोट्रेक्सोल ये है इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट नहीं करती। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, तो यह स्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ थायरॉयड हार्मोन, जो होते हैं उनका कॉम्पोनेंट होता है आयोडीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस, तो सभी को पता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O जो लाफिंग गैस होता है। नेक्स्ट, कोर्टिसोन इज ए, तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, कोर्टिसोन क्या है, तो ये एक हॉर्मोन है। नेक्स्ट है, विजन कंडीशन इन विच ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, सिर्फ पास के ही ऑब्जेक्ट्स क्लियरली सीन होते हैं, वो मायोपिया में होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर शेड्यूल सी ऑफ द ड्रग एंड बायोलॉजिकल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है, जो ये शेड्यूल सी का ज़्यादा पूछते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि इन सस्पेंशन पार्टिकल साइज इज 0.5 to 5 micron। नेक्स्ट है, फार्माकोग्नोसिस इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स, तो हेलोथेन होता है इसमें। नेक्स्ट है, मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इज 500 आवर्स होते हैं।
नेक्स्ट इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो प्रोकेन का होता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर, तो ये बेंजोट्रोपिन होती है जो क्या होती है मस्करेनिक एज वेल एज निकोटिनिक ब्लॉकर होती है. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा वन एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशन, ठीक है बीटा वन स्टिमुलेशन का इफेक्ट पूछा है आपसे, तो ये टैकिकार्डिया हो जाएगा. तो ये जो अल्फा बीटा के सारे इफेक्ट है सिंपथेटिक के पैरासिंपथेटिक के, तो इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, जो ANS सारा का सारा ANS अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट देखना आपको, उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये कार्बामाजेपिन. काफ़ी बार इसका क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरीके से पूछते हैं और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है, डाइसल्फिराम होता है. नेक्स्ट है म्यू रिसेप्टर्स जो होता है, ये जो म्यू रिसेप्टर्स होता है तो इसके एक्शंस क्या क्या हैं, आर एसोसिएटेड विद, तो इसे एनाल्जेसिया होता है, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फिजिकल डिपेंडेंस. ठीक है, तो ओपियोड के ये सारे रिसेप्टर्स हैं, इनके जो एक्शंस दिए हुए हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेना. नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कुड एस्प्रिन बी यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकली, तो इसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में यूज करते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो इसमें फ्लोक्सिटीन आता है, फ्लोक्सामिन आता है और भी आते हैं सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम. नेक्स्ट है एंजियोलिटिक्स आर यूज टू ट्रीट, तो न्यूरोसिस में यूज करते हैं. नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जनरलाइज्ड सीजर, सीवियर ट्रेमर्स, विविड हालुसिनोजन्स एंड साइकोसिस, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं. नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955. नेक्स्ट इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इज, तो ये सिल्वर नाइट्रेट होता है. नेक्स्ट यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन द पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन, तो डोज का मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था अभी डोज कैलकुलेशन का, तो आप देख लेना ठीक है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जैसे यंग्स रूल होता है, यंग्स फॉर्मूला है, डीलिंग्स फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले होते हैं चाइल्ड की जो एज पे बेस्ड होते हैं. ठीक है, तो इसमें चाइल्ड डोज कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द एज, तो ये हो जाएगा जो इसमें एज के बेसिस पे होता है यंग्स फॉर्मूला. नेक्स्ट है चिकन पोक्स इज कोस्ड बाय, तो ये वायरस कोज करता है. नेक्स्ट है वॉरफेयर बाइंड्स, ठीक है बाइंड्स है ये, बाइंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, तो ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है ये. नेक्स्ट है इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सोल्यूशन इज 0.5 एंड 400 ml इज अवेलेबल, देन वट इज़ द टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, तो ये निकाल लेना आप, ये 20 ग्राम आएगा. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द इन पेशेंट सर्विस, तो इन पेशेंट सर्विस में ये इश्यू सिस्टम इंक्लूड नहीं होता. नेक्स्ट है फिनोथायाजिन डेरिवेटिव एंटी एरिथमिक ड्रग ऑफ क्लास 1C, तो 1C में ये मोरसिजिन आएगा. तो एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन का वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप चेक कर लेना. नेक्स्ट है निरोध इज विच मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव, तो ये बैरियर में आ जाएगा. नेक्स्ट है विच इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया स्पोर्स आर किल्ड, सभी को पता है इसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मींस, तो पोटेंशिएशन होता है इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट है विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स, तो इसको बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस. नेक्स्ट सब्सटेंस बाइंडिंग टू वन रिसेप्टर सब टाइप एज एन एगोनिस्ट एंड टू अनदर एज एन एंटागोनिस्ट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट. नेक्स्ट हाफ लाइफ इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू, तो इसका हो जाएगा चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन. नेक्स्ट है द टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रोसेस ऑफ फिजिको केमिकल एंड बायोकेमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, तो इसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट है पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑप्शन पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स दैन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो पेरेंट्रल जो ड्रग को जो पेरेंट्रली देते हैं तो उससे सभी को पता है रेस्पॉन्स जो होता है रैपिड रेस्पॉन्स आता है. नेक्स्ट विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट, तो ये होता है ओरल.
ठीक है। तो ओरल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे ज़्यादा क्या होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन? तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ द अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है, ए हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल सब्सटेंस हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो जो हाइड्रोफिलिक होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है। जो हाइड्रोफिलिक होंगे तो क्या होगा कि वो जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस नहीं कर पाते, लो एबिलिटी होती है। और जो लिपोफिलिक ड्रग होती है वो ईजिली क्रॉस कर लेती है, लिपिड सोल्यूबल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। नेक्स्ट है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ADME की स्टडी को क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अगेंस्ट है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन? तो ड्रग एक्सक्रीशन जो है स्टमक से नहीं होता। नेक्स्ट, एल्वियोली इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ? तो ये लंग्स की फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। और जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होती है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय? तो सभी को पता है ये COOH क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। नेक्स्ट, मोस स्केल डील्स विद? तो ये हार्डनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंस डील करता है, मोस स्केल। नेक्स्ट है, शेड्यूल C&C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद? तो लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, मैंने कहा था ना आपको रिपीट होता है क्वेश्चन, देखिए अभी इसमें ही रिपीट हो गया, ये बहुत बार रिपीट होता है। BCG वैक्सीन इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट? तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं BCG वैक्सीन। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ QSAR? तो ये क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसे बोलते हैं मास नंबर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शंस? तो इसमें था इमल्शंस जो है उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट उनके रिस्पेक्ट में जो है फॉल्स है। देखिए, इमल्शंस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स विच आर डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड विच एक्ट एज ए कॉन्टिन्यूस फेज। तो ये गलत है, क्योंकि इमल्शंस क्या होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड होते हैं, आपको पता है, तो ये सॉलिड्स तो आएगा ही नहीं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम अदर देन ओपियम मिक्सचर कैन बी कैरिड आउट बाय? तो ये ओनली बाय गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्रीज। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड, सो बोलते ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, माला डी ओरल कंट्रासेप्टिव कंटेन्स, तो इनमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिरोन दोनों होते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग कंटेन कार्डिक ग्लाइकोसाइड? तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं डिजिटालिस में। नेक्स्ट, थियोब्रोमा ऑयल इज अ टाइप ऑफ? तो ये थियोब्रोमा ऑयल जिसको क्या बोलते हैं, कोकोआ बटर भी बोलते हैं ना, तो ये ओलेजिनस जो फैटी बेस होते हैं ना सपोजिटरीज के उसमें आता है। नेक्स्ट, यंग्स रूल फॉर डोज कैलकुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय वन अमंग द फॉलोइंग फॉर्मूला? तो यंग्स रूल का फॉर्मूला पूछा आपसे, तो इसमें चाइल्ड डोज कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला होता है एज इन ईयर डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कंटेन नेप्थासीन न्यूक्लियस? तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर होता है नेप्थासीन न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, वाटर एक्ट एज व्हीकल? जो वाटर होता है एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, टिटैनस को नहीं ट्रांसमिट करता वाटर। नेक्स्ट है, द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनिन इन RNA इज? तो ये होता है यूरेसिल। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज? तो 0.4:1 होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंट्रल रूट? तो ये इनकन्वीनियंट और पेनफुल होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज होती है। नेक्स्ट, फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू? तो ये होते हैं इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ बोलते हैं, फिजिकल हेल्थ। नेक्स्ट, लो बर्थ वेट इज? तो 2.4 किलोग्राम जो होता है लो बर्थ वेट है। नेक्स्ट है, सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज? तो ये टिकोइक एसिड होता है। नेक्स्ट, 1 टेबल स्पून इज इक्वलेंट टू? तो ये कन्वर्जन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml होते हैं। नेक्स्ट, ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ? तो ये नॉन चार्ज फ्लोर स्टोक ड्रग्स के लिए होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ? सभी को पता है बोन्स में होता है। नेक्स्ट, इफ़ अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं, जैसे कि अभी ये कोरोना का ये पैंडेमिक था। नेक्स्ट है, कोरोना भी तो क्या है, ये
एक ये पेंडेमिक ही तो है क्योंकि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसे स्प्रेड हो रही है। नेक्स्ट देखिए पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। नेक्स्ट फिजिकल हेल्थ मीन्स, तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑफ एंड ऑर्गन, तो इसको बोलते हैं फिजिकल हेल्थ। तो इसमें मैंने ये 100 जो क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, ठीक है। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप में से 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोज़ तो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप वीडियोज़ देखते हैं, आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता इसके लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।